शिवहर जिले के फतेहपुर निवासी यूक्रेन से लौटे शिवहर के प्रभात रंजन परिवार वालों में खुशी का माहौल। फतेहपुर के प्रभात रंजन के घर पहुंचने से परिवार में खुशी का माहौल। देखिए पूरी रिपोर्ट। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम प्रभात रंजन हुआ। घर पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ऐसे देश में फंसे हो जहाँ पे कब क्या हो जाए, किसकी कोई मतलब कभी अटैक हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और वहाँ से जब सुरक्षित घर आ जाए तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और इसमें हमारा भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमें पहले रोमानिया बॉर्डर ले जाया गया, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी हमारी मदद की। वहाँ से हमें बुचारेस्ट एयरपोर्ट ले आ हम गए, और वहाँ से हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि करीब रात को 8 बजे वहाँ से उड़ी, और सुबह 6:30 बजे हम न्यू दिल्ली उतर गए। वहाँ आने के बाद बिहार सरकार ने भी वहाँ पे हमारे लिए एक अलग यहाँ पे व्यवस्था की थी, और उसके बाद वहाँ से हमें लाया गया पटना, और वहाँ से मैं अपने फैमिली के साथ वापस घर आया। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी भारतीय छात्र जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उन सबको लाने की एक वहाँ पे भारत सरकार बहुत वहाँ पे हेल्प कर रही है। सो कोई पैनिक ना होए और सब वापस आएंगे। मैं यही आशा करता हूँ। और या जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट आया तो वहाँ पे बिहार सरकार के लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे, और मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो उन्होंने मेरा सारा डिटेल लिया, और वहाँ से मुझे पटना एयरपोर्ट तक सेफली उन्होंने छोड़ा मुझे। उनको संदेश देना चाहता हूँ कि वहाँ पे डरे नहीं, क्योंकि अगर एक बार आप रोमानिया बॉर्डर पार कर चुके हैं तो आप वहाँ से सुरक्षित वापस आ जाएंगे। भारत सरकार पे पूरा भरोसा रखें, और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पैनिक बिल्कुल ना हो। खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपके हमारे दोस्त और जो और भी लोग हैं हमारे, वो काफ़ी सुरक्षित हैं वहाँ पे कोई अटैक का खतरा नहीं है, और वो सब बहुत जल्दी वापस आएंगे। फ्रेंकिस था और मैं MBBS का छात्र वहाँ था, और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जब वहाँ अटैक हुआ था 25 तारीख के सुबह 6:45 बजे वहाँ पे अटैक हुआ था। हमारे शहर से हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर के आसपास एक एयरबेस था इवानो फ्रेंकिस का, उस पर अटैक हुआ था। और उसके बाद लगातार वहाँ पे सायरन्स बजते थे, और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम लोगों ने हमने बस बुक किया, और वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर गए, और वहाँ से फिर एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की हमारे वहाँ से निकलने। इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी काम जारी रहेगा भारत से।